सो फाइनली हम लोग कैलगरी एयरपोर्ट पे हैं। हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे वेकेशन सेलिब्रेट करने आए हैं। वेकेशन थी तो हमने कहा चलो कैलगरी बैंफ वाली साइड पे होके आते हैं और अभी हम बैग का वेट करें। तो जैसे ही हमारे बैग आते हैं फिर हम यहाँ से निकलते हैं। और अगर हम एयरपोर्ट की बात करें ना तो कैलगरी एयरपोर्ट बहुत ही छोटा है, बहुत ही कंजस्टेड सा एयरपोर्ट है टोरंटो के हिसाब से। तो छोटी छोटी शॉप्स हैं और काफ़ी मतलब लाइक हॉच पॉच सा हुआ है, सब चीज़ें इकट्ठे बिल्कुल साथ साथ हैं। तो पीछे तो और भी बहुत ज़्यादा रश है, यहाँ पर फिर तो सब बेहतर है। जहाँ से हम निकल के आए ना वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रश है। यहाँ से हम रिसीव करते हैं हमारी कार सीट। अभी हमने गाड़ी रेंट पे ली हुई थी, पहले से बुक करा ली थी हमने गाड़ी, तो बस अब हम यहाँ से अपनी गाड़ी देख रहे हैं। रेंटल कार जो होती है वो हमने करा ली थी पहले ही ऑनलाइन ना, तो गाड़ी बस वेट करें जैसे आती है फिर वो हमारे हैंड ओवर कर देंगे और फिर हम उसमें अपना सामान रखेंगे। ये रही हमारी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम जल्दी से सामान रखते हैं और फिर हम निकलते हैं, देखते हैं अंदर से कैसी है। वाह काफ़ी अच्छी कंडीशन है, ब्रांड न्यू गाड़ी है बिल्कुल। तो ये कैप्टन सीट के साथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दो फैमिलीज़ हैं, तो अभी हम एक आए हैं एक हमारे पास आ रहे हैं, तो फिर देखते हैं हम लोगों ने किस तरह एडजस्ट होना है। फिलहाल इसमें अब कार सीट लगाते हैं वली की और हम कुछ चलते हैं कैलगरी को एक्सप्लोर करने। ये जी फाइनली एक दावत रेस्टोरेंट है विच इज़ हलाल, तो यहाँ पर जल्दी से लंच करते हैं। ये हम आए हैं यहाँ पे बंगाली स्टोर में। तो वली का पानी चाहिए था हमें, तो लग तो हमारी जैसी चीज़ ही रही है, देसी देसी मिक्स है वो, ये रखें केक्स एंड बिक्स की स्वीट फिंगर्स एंड नाइस। देखा सब कुछ मिल जाता है, अभी बहुत सी वैरायटी हो केक्स एंड बिक्स की, काफ़ी कुछ है इधर। तो चले पानी लेते हैं और फिर हमने पार्क जाने एक, फिर वो भी आपको दिखाते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। अब हम आए हैं ये पार्क, अंदर चल के देखते हैं क्या है कैसा है। मौसम हल्का हल्का ठंडा सा हो रहा है लेकिन ठीक है, ठंडी हवा चल रही है अदरवाइज। और ये स्टॉल्स लगे हुए हैं लाइक ट्रक्स हैं, वो आइसक्रीम ट्रक लगा हुआ है और ये भी कैसे स्लश है, काफ़ी अच्छा पार्क लग रहा है। ये सिक्योरिटी है यहाँ पे, नाइस। प्रॉपर चेंजिंग रूम बनाया हुआ है और ये बहुत अच्छा है, ये बच्चों के लिए शेलो है, वो आगे थोड़ा सा डीप साइड भी है तो काफ़ी अच्छा पूल साइड है। कनाडा में हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी होटल में रहना, और ये हमारा होटल है। अच्छा अच्छा बाकी भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और आई थिंक ये सिटिंग का कुछ बना हुआ है, ये ऐसे नाइस, और ये रिसेप्शन है। चले आगे रूम देखते हैं फिर आपको भी दिखाते हैं।
सो फाइनली हम होटल में आ गए हैं, रूम में आ गए. मैंने कहा आपको जल्दी से अपने रूम का रिव्यू देती हूँ. कि ये सबसे पहले जी आ गया हमारा वॉशरूम. लाइट ऑन करके दिखाते हैं आपको. ये देखें तो ये आई गेस ये शावर की जगह आ गई है. नाइस. एंड ये इस वक्त मेरा लिटरली बुरा हाल हो गया. तो एनीवेज ये शायद सिंक विंक. ओह वाओ ये देखिए कितना क्यूट है. आपको ऐसी चीज़ें भी प्रोवाइड की हुई हैं इन्होंने ज़बरदस्त. और नीचे टॉवल्स वगैरह भी हैं और आई गेस वो ड्रायर है और वो टिश्यू वगैरह भी दिया हुआ है. उसके बाद यहाँ से एंटर होते हैं और ये हमें दी हुई है कबर्ड एक. नाइस. और साथ ये आगे सिटिंग और ये आगे बड़ा सा मिरर. उसके बाद आ गया ये एक. ओ देखिए आयरन भी दिया हुआ है हमें. हैंगर्स हैं अवेलेबल, आयरन स्टैंड भी अवेलेबल है और लॉन्ड्री के शॉपर भी अवेलेबल हैं कि अगर आपने नीचे होटल से करानी हो. फिर इस साइड पे आ जाते हैं तो हमें इन्होंने दिया हुआ है ये कॉफ़ी का, ये कॉफ़ी मशीन है. ये कुछ पॉट्स वगैरह पड़े हुए हैं, ये कप्स वगैरह अवेलेबल हैं. ये साथ नीचे आ गया मिनी फ्रिज जो कि है खाली. तो एनीवेज और फिर आपको ऊपर यहाँ पे माइक्रोवेव भी दिया हुआ है विच इज़ वेरी गुड थिंग. अगर आपके बच्चे हैं आपके साथ तो अमेजिंग चीज़ है. और यहाँ पे फिर हम एंटर होते हैं तो ये बेड है. बेड थोड़ा सा भी मैसी मैंने इसलिए किया है बिकॉज मैंने उसको उदवली को सुलाया हुआ है. ये एक साइड लैम्प दे दिया उन्होंने साइड पे हमें और वो एक साइड टेबल आ गई. दोनों साइड टेबल हैं पर लैम्प एक जगह पे दिया हुआ है. यहाँ लगा हुआ है जी एसी. गर्मी है तो हमें एसी की ज़रूरत है. ठीक है. और ये फायर अलार्म वाला वो लग गया इमरजेंसी के लिए. साथ में ये एसी का रिमोट वगैरह भी ये सारा बता रहे थे हमें इस वक्त टेम्परेचर क्या है. और जी साथ में ये आ गया एक सिटिंग और ज़बरदस्त सा LED भी हमें प्रोवाइड किया हुआ है. नीचे दराज वगैरह भी काफ़ी अच्छी स्पेशियस है. और ये आ गया स्टडी आ गया, वर्क स्टेशन आ गया, जो भी जिस तरह भी करना है सारे वगैरह. फ़ोन वगैरह भी उन्होंने दिया, मेन्यू भी पड़ा हुआ है और काफ़ी अच्छे से ये डस्टबिन वगैरह भी प्रोवाइड की. मेरी ये चेयर बहुत मुझे क्यूट लग रही है. उसके बाद एक हमें ये इस तरह इन्होंने सिटिंग के लिए एक और स्पेस दे दी. मुझे बेड बहुत अमेजिंग लगा है और बहुत डिसेंट सा रूम है. और वो देखें वो भी एक लैम्प लगा हुआ है. उसके बाद जी ये आ गया व्यू. तो इसको थोड़ा सा करते हैं साइड पे और आपको भी दिखाते हैं व्यू. और ये देखें जी ये हमारे रूम के बिल्कुल बैक पे आ गया कैलगरी एयरपोर्ट और वो आ गए माउंटेन्स. तो ऑब्वियसली अब हम नारायणकागान वाला फील लेंगे जी. पहाड़ पहाड़ हों तो वो नहीं है ना. एयरपोर्ट के बैक साइड पे अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये बिल्कुल एयरपोर्ट से हमें काफ़ी नीचे नीचे तक प्लेन नज़र आएंगे विच इज़ गुड थिंग. चलो अच्छा व्यू है और ये जूम इन जूम आउट हो रहा है. एनीवेज तो ये है जी हमारा. ओह वाओ कितनी ज़बरदस्त ऊपर से ऐसी रेज आ रही हैं. तो होपफुली अब हम यहीं पे अपनी गाड़ी भी पार्क कर लेंगे ताकि वो हमारी नज़र में भी रहे. और ये है जी हमारे कुछ रूम का टूर. तो यस दिस इज कैलगरी. हम अब हम आए हैं कैलगरी डाउनटाउन वाली साइड में. तो हमने कहा यहाँ से रुक के कुछ मंचिंग करें. वाओ दैट्स क्रेजी. और ये देखिए ये रेंट पे लाइक स्कूटीज इलेक्ट्रिक स्कूटीज हैं अभी भी ले सकते हैं. और अच्छा पार्क है अभी हम अभी जाके एक्सप्लोर करते हैं.